इससे पहले वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के बीम, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंग, फिक्स, कॉन्टिन्यूस। अब उन सब जो हमारे बीम होंगे उनके एंड पर या सेंटर पर या जहां भी होंगी अलग अलग टाइप की सपोर्ट्स रहती हैं, तो उन सपोर्ट्स को हटाने पर हमारे पास क्या रिएक्शंस आएंगी, तो हम सपोर्ट्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स फॉर बीम्स। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। अगर हम सिंपल सपोर्ट की बात करें, कोई भी ये बीम, ये एक बीम ए बी, इस बीम के किसी भी एंड पर एक सिंपली सपोर्ट हो जिसके ऊपर ये फ्रीली रखा हुआ है, तो इस सपोर्ट को जब हम रिमूव करेंगे ए बी बीम पर, अगर ए पॉइंट पर कोई सिंपली सपोर्ट है और इस सपोर्ट को जब हम यहां से रिमूव करेंगे तो हमारा बीम इस टाइप का होगा। यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी आर ए बी, ए पॉइंट होता है तो जनरली हम इसे आर ए लिख देते हैं। सपोर्ट्स रिएक्शन एट पॉइंट ए, ये हो गई सिंपल सपोर्ट, एकदम सिंपली सपोर्टेड है, उसके ऊपर रखा हुआ है। नंबर टू, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट दो टाइप से दी होती है, दोनों टाइप से हम देखते हैं। एक रोलर सपोर्ट दी जाती है इस टाइप से, डायरेक्टली रोलर बना दिया, ये हो गई रोलर सपोर्ट पॉइंट ए, पॉइंट बी, या फिर इस टाइप से रोलर सपोर्ट हो सकती है। यहां सेंट बीच में रोलर बना दिए, रोलर सपोर्ट या तो सिंपली रोलर या फिर हिंज बना के नीचे इसके रोलर लगा दिए और नीचे ये फिक्स हो गया। अब अगर इस रोलर सपोर्ट को हम हटाएंगे तो बीम पर कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी? रोलर सपोर्ट में एक सिंपली आर ए, ए पॉइंट पर ये भी हमारा रोलर है तो यहां पर सिंपली आर बी। सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दोनों को जब हम हटाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस आती हैं। नंबर थर्ड, हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट। हिंज सपोर्ट होती है हमारी इस टाइप से, कि ये बीम इस पॉइंट पर हिंज है, इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो सकता है। जब हम इस हिंज सपोर्ट को रिमूव करेंगे, यहां भी इस टाइप से कोई हो सकती है हिंज सपोर्ट, जब हम इस हिंज सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी। यहां भी एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर इन पॉइंट के नाम ए और बी हैं तो ये होगी आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजॉन्टल। बी पॉइंट पर आर बी वर्टिकल, आर बी हॉरिजॉन्टल। ये बनेंगे हमारे इसके रिएक्शंस। हिंज सपोर्ट में, हिंज सपोर्ट में दोनों होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। क्लियर? नंबर फोर, फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। ये एक बीम, ये हो गई फिक्स सपोर्ट, ये मैंने फ्री छोड़ दिया। अभी फ्री एंड पर कोई भी रिएक्शन
नहीं होती। अगर इस सपोर्ट को हम हटाएंगे तो इसमें सबसे पहले तो होगी एक वर्टिकल। अगर पॉइंट का नाम मैंने दिया ए, आर ए वर्टिकल, एक होगी हॉरिजॉन्टल, आर ए हॉरिजॉन्टल। और जब कभी भी फिक्स पॉइंट आएगा तो वहां पर एक मूवमेंट होगा, एक होगा यहां पर मूवमेंट ए। अब सपोज इस बीम की टोटल लेंथ एल है और कहीं भी एक पॉइंट लोड पी लगा हुआ है और ये लेंथ आपकी एल। बीम की लेंथ को स्पैन भी बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ द बीम और स्पैन ऑफ द बीम एक ही बात होती है। तो जो ये मूवमेंट होगा ये होगा जितना लोड लगा हुआ है वो लोड इनटू जो उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर पी इनटू है, मूवमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर सपोर्ट्स न्यूमेरिकल्स में हमें यूज करने होंगे जब बीम दिया होगा और बीम के ऊपर कोई सपोर्ट दी होगी, उस सपोर्ट को हटाकर हमें रिएक्शन अप्लाई करनी होगी, तो वहां इसका बहुत यूज होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है एक सिंपल वर्टिकल रिएक्शन होगी उस पॉइंट पर, अगर कोई रोलर सपोर्ट है तो सिंपली वर्टिकल रिएक्शन होगी वहां पर, अगर कोई हिंज सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन होंगी वहां पर, और अगर कोई फिक्स सपोर्ट है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड मूवमेंट तीनों सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर, इनके मिक्सचर भी आ सकते हैं कि एक एंड पर फिक्स सपोर्ट हो और दूसरे एंड पर हिंज सपोर्ट दे दें। मिक्सचर इसका किसी भी टाइप से बन सकता है कि कैसे कैसे हमारे बीम के ऊपर रिएक्शंस हो सकती हैं। ओके, अब आगे हम देखेंगे कि इसके ऊपर लोड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं, उन लोड को इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे बीम के। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोड फॉर बीम्स। सबसे पहला फर्स्ट टाइप नंबर वन पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, और इस पॉइंट लोड का दूसरा नाम भी होता है कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। एक ऐसा लोड जो बीम के किसी भी एक पॉइंट पर लगा हुआ हो, एक नाइफ एज के थ्रू बीम के ऊपर लगा हो, जैसे सपोज ये मेरा एक बीम, इस बीम में कोई भी मैंने सपोर्ट सिस्टम ले लिया एग्जांपल के, उसमें एक मैंने लिया हिंज और एक लिया मैंने रोलर, इसके ऊपर एक पॉइंट पर अगर नाइफ एज के थ्रू कोई लोड लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम पॉइंट लोड, किसी भी एक पॉइंट पर लगा हुआ है, क्योंकि ये ए बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। और जो पॉइंट लोड होता है उसकी इंटेंसिटी सपोज मैंने मान ली डब्लू, डब्लू पॉइंट लोड लगा हुआ है, कैपिटल डब्लू। हमेशा जो लोड की यूनिट होगी, लोड एक फोर्स होता है और उसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन, न्यूटन, डब्लू न्यूटन। लोड पॉइंट सी पर लगा हुआ है अगर, तो ये हमारे लिए होगा एक पॉइंट लोड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी एक सिंपल पॉइंट पर लगा हुआ है तो वो हमारा पॉइंट लोड। सपोर्ट्स कैसी भी हो सकती है, इन सपोर्ट्स को हटा के हम रिएक्शंस लगाएंगे, उन्हें आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको क्लियर होता है। नंबर सेकंड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जनरली शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं यूनिफॉर्मली के लिए यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए डी और लोड के लिए एल। शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं यू डी एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
जनरली ऐसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है बीम के ऊपर इस टाइप से। यहाँ कोई भी सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डोर। अगर इस बीम की टोटल स्पेन एल ले लिया और इस लोड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। पॉइंट लोड की यूनिट क्या थी? न्यूटन, और कैपिटल डब्ल्यू लिया था। यूडीएल की क्या होती है? स्मॉल डब्ल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर मीटर। अब इसका नाम से समझते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब क्या है कि एंटायर लेंथ पर, एंटायर स्पेन पर ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंटायर स्पेन पर ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर देखूंगा, जितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी उतनी ही इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी, वही वैल्यू यहाँ होगी, वही वैल्यू यहाँ होगी, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एकदम। ये हर पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी। जब हर पॉइंट पर इंटेंसिटी इक्वल होगी, इसकी हम एक फिक्स वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस इसे हम कंसंट्रेटेड लोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूडीएल को कंसंट्रेटेड लोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट आई मीन न्यूटन पर मीटर, जबकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और ये है न्यूटन पर मीटर। तो इसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि मीटर में हो, तो इसकी यूनिट क्या रह जाएगी मेरी? न्यूटन। कन्वर्जन अगर मैं पॉइंट लोड में करना चाहूं, सपोर्ट्स एज इट इज, इंटेंसिटी कितनी थी यहां पर? डब्ल्यू। लेंथ कितनी थी? एल। तो यहां पर जो कैपिटल डब्ल्यू आएगा वो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन। बट ये एक्ट कहां होगा? सबसे बड़ा सवाल। इसकी इंटेंसिटी तो मैंने कैलकुलेट कर दी, बट इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां होगा? जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर पॉइंट पर इंटेंसिटी इक्वल है, तो इसका जो नेट वैल्यू होगी वो हमेशा सेंटर पर होगी। तो इसकी नेट वैल्यू आएगी इसके सेंटर पर। कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल न्यूटन, ये वैल्यू एल बाय, और सेंटर पॉइंट पर इसका लाइन ऑफ एक्शन क्लियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये पॉइंट लोड हमेशा ठीक सेंटर पर आए। अब जो ये यूडीएल का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे तरीके से भी होता है। देखो, कभी कभी ये यूडीएल न्यूमेरिकल में दूसरे तरीके से भी दिया होता है, जैसे ये एक बीम इस टाइप से, ये या तो ये क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। यूडीएल क्लियर है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। यहां से इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। यूनिट हमेशा होगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से, और जब पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड होता है वो कैपिटल डब्ल्यू होता है, और यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो लोड इनटू डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर वो यूडीएल लगा हुआ है और उस डिस्टेंस के सेंटर पॉइंट पर ये एक्ट होता है। क्लियर। नंबर थर्ड, यूनिफॉर्मली
वेयरिंग लोड यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी लोड यूनिफॉर्मली वेरी करे, जैसे ये एक बीम बनाया, ये इसकी सपोर्ट्स, इसकी इंटेंसिटी जीरो से शुरू होके मैक्सिमम तक जाए, ये क्या हो रहा है, यहां इसकी इंटेंसिटी अलग है, यहां इंटेंसिटी अलग है, हर पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी अलग होगी, एक पॉइंट पर जीरो होगी और एक पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ए बी, यूनिट इसकी भी डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर होगी, न्यूटन पर मीटर ही होगी और स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पैन इसका ले लिया अगर मैंने एल, लोड ए पॉइंट पर क्या है जीरो, लोड बी पॉइंट पर क्या है कैपिटल डब्ल्यू, ये यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर, हर पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी अलग अलग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या था, हर पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट थी, कोई चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर वो वेरी हो रही है, इससे यूनिफॉर्मली वेरिंग को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब जैसे हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही हम यूबीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बीम बनाया, बीम बना दिया, इंटेंसिटी क्या थी स्मॉल डब्ल्यू, स्पैन लेंथ क्या थी एल, जो इसकी नेट वैल्यू होगी फोर्स की कैपिटल डब्ल्यू वो होगी हाफ इनटू अप्लाइड लोड इनटू लेंथ, अब इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, कैपिटल डब्ल्यू जो आएगा हाफ इनटू डब्ल्यू इनटू एल, और यूडीएल में क्या था डब्ल्यू इनटू एल, ये तो हो गई लोड की बात कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया हाफ डब्ल्यू एल, बट ये पॉइंट लोड एक्ट कहाँ होगा, उसके लिए ये जो यहाँ वैल्यू जीरो और यहाँ वैल्यू मैक्सिमम, तो जीरो एंड से टू बाई थर्ड डिस्टेंस पर यहाँ होगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हाफ डब्ल्यू एल, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी टू बाई थ्री ऑफ एल, और ये जो डिस्टेंस होगी एल बाई थ्री। डिफरेंट टाइप के लोड में कोई कंफ्यूजन नहीं, जो पॉइंट लोड होगा वो एक पॉइंट पर एक्ट होगा, इंटेंसिटी कैपिटल डब्ल्यू होगी और यूनिट न्यूटन होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा पूरे स्पैन पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर पॉइंट पर, उसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी और उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होगी, उसे जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इस लोड को हम डब्ल्यू को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसका लाइन ऑफ एक्शन उसका सेंटर होगा। अगर हम यूवीएल की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेरी करती है, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, और अगर इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल होती है और इसका लाइन ऑफ एक्शन जीरो पॉइंट से टू बाई थ्री डिस्टेंस पर और मैक्सिमम एंड से वन बाई थ्री डिस्टेंस पर अप्लाई होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें मिक्सचर भी हो सकता है कि यूडीएल यूवीएल पॉइंट लोड का मिक्सचर भी हो सकते हैं, देखते हैं अभी कैसे। मिक्सचर में ये हो सकता है कि आपको यूडीएल और यूवीएल मिक्स करके दे दिए हो, जैसे एग्जांपल के लिए हम बीम बनाते हैं, ये है कोई भी बीम, इस टाइप का एक लोड दिया है ऐसे, ऐसे
इसे देख के आप देख सकते हो क्या है ये, किस टाइप की लोडिंग है, पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड, यूडीएल, यूवीएल, क्या लोडिंग है। तो इस लोडिंग में कभी भी कंफ्यूज मत होना। यूवीएल वो लोड होगा जो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, बट यहाँ कहीं भी जीरो एंड नहीं दिख रहा, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और जो हमारा वेरी कर रहा है, इसका मतलब यूवीएल तो है इसमें, तो सबसे पहले मुझे वो एंड ढूंढना होगा जहां पर इस लोड की वैल्यू जीरो आ सकती हो। जैसे एक दूसरा कलर का पेन लेता हूं, यहां मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी इस बीम के पैरेलल। अब इसे मैंने दो पार्ट में कर दिया, पार्ट वन और पार्ट टू, ए बी। इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर। मैंने इस बीम के पैरेलल जहां जीरो पॉइंट स्टार्ट हो रहा था दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बीम को अगर मैं देखूं, दो पार्ट का समेशन हो गया ए बी। एक तो हो गया बीम मेरा ये सिंपल, प्लस दूसरा बीम हो गया मेरा ये जीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम वैल्यू तक ए बी। सपोज यहां तक की इंटेंसिटी W1 यहां जो दी हुई है, इसकी इंटेंसिटी तो हो गई W1, W1 न्यूटन पर मीटर, और जो इसकी इंटेंसिटी बचेगी वो बचेगी W माइनस W1 न्यूटन पर मीटर। अब अगर इनका पॉइंट लोड में कन्वर्जन करना हो, A B, इसका पॉइंट लोड, स्पैन तो L ही रहेगा इसका दोनों का ही, ये भी L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, W इंटू एल और लाइन ऑफ एक्शन मिड पॉइंट, W1 इंटू एल और ये डिस्टेंस L बाई टू, ये डिस्टेंस भी L बाई टू। इसकी इंटेंसिटी देखते हैं, ए बी इंटेंसिटी टू एल बाई थ्री और एल बाई थ्री, और इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ इंटू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन इंटू एल। इन दोनों का समीकरण। तो कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि क्या वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसके बेस पर रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट बीम एंड डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। किसी भी टाइप का बीम हो सकता है, किसी भी टाइप की सपोर्ट हो सकती है और किसी भी टाइप की लोडिंग हो सकती है। तो इन तीनों का पता होना आपको जरूरी था, इसलिए आपने क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, तीनों चीज की स्टडी करनी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।